नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपने आप में एक अनोखी है। और ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि गुरुजी आप लाइव, बिल्कुल लाइव करके दिखाइए। तो आज मैं जिस तांत्रिक टोटके को आपके सामने लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ, वह बहुत ही अनोखा है और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता आपका। यदि आप इस विधि के बारे में जानना चाहते हैं, इस कार्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और मित्रों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा आपको इस विधि के बारे में बताना चाहूँगा। ये अपने आप में बहुत ही अनोखी विधि है और मैं इसे करने के लिए बहुत ही सुनसान जगह में आया। आप देख सकते हो यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो ये एकदम बिल्कुल सुनसान जगह है। अकेले में आपको इस विधि को करना है। आपको इस विधि को करने के लिए क्या चाहिए? जिस किसी को भी आप, स्त्री है या पुरुष है, जिस किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं, तो आपको उसकी एक तस्वीर चाहिए और एक आपको पीपल का सूखा हुआ पत्ता चाहिए। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल, एक आपको पीपल का पत्ता चाहिए और एक सुनसान जगह में आपको एकांत में इस कार्य को करना, बिना किसी को बताए हूँ इस विधि को करना है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करना है। तो आपको सर्वप्रथम उस व्यक्ति की एक तस्वीर लेनी है जिस किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं। आपको उसकी तस्वीर को एक गड्ढा खोद लेना है और इसके अंदर इस तरीके से रख देनी, जिस तरीके से मैंने एक गड्ढा खोद रखा है। आपको इस तरीके से खड्डे के अंदर रख देना है उस तस्वीर को। उसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और जिस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जिस भी स्त्री पुरुष को आप वश में करना चाहते हैं। और आपको सूखा हुआ पत्ता लेना है, इस बात का खास ख्याल रखें। और इस कार्य को आपको शनिवार या मंगलवार रात्रि को करना है। आपको इस पत्ते को भी इसके ऊपर रख देना है गहरे खड्डे में। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक आपको लड्डू रखना है, बिल्कुल एक आपको लड्डू रख देना है इस तस्वीर के और पत्ते के ऊपर। और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके अंदर कुमकुम डालना है। यह हम मित्रों, थोड़ा सा आपको लाल कुमकुम डाल देना है इन सभी चीज़ों पर। तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, मैं बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ आपको। और इसके ऊपर आपको 5 काले कोयले रखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आपको कोयले रख देने हैं। और बाद में एक मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसी मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको बोल के नहीं बता सकता क्योंकि ये एक तरीके की बहुत ही अनोखी तांत्रिक टोटका है और जब इसको प्रयोग में लिया जाता है तभी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो तभी मैं आपको एकदम बिल्कुल लाइव करके नहीं दिखा सकता। वो टोटका आप स्क्रीन से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं मंत्र को दे दूंगा, वहाँ से ले सकते मित्रों। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे एकदम बिल्कुल इस तरीके से दफना देना है, हैं, जिस तरीके जब आप इस प्रयोग को कर रहे हों उसी वक्त आप इस मंत्र का उच्चारण करें। और दबा देने के बाद आपको बिना बातचीत किए हुए अपने घर की तरफ आ जाना है मित्रों। बस मात्र अगले ही सुबह वे व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, वह चाहे स्त्री है या पुरुष है। बहुत ही अनोखा और बहुत ही चमत्कारी टोटका है, इसे एक बार जरूर प्रयोग में करके देखें। और मैंने आपके लिए स्पेशल ये लाइव करके दिखाया है, सुनसान जगह में आकर रात्रि में मैं इस कार्य को कर रहा हूँ ताकि आप अपने कार्य में सफल हो सकें। आप किसी को वश में करना चाहते तो उसे वश में कर सकें, ना आप नाकाम कभी भी ना हो, आप पूरी तरीके से इस विधि को समझें। इसीलिए मैं बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और अब तक अगर आपने हमारा एसएल गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके में मंत्र बता पाएं। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस विधि के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या इस मंत्र और विधि से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की सावधानियां जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मित्रों, धन्यवाद।